कुछ स्लाइड्स थी, तो मैंने डिटेल तो नहीं बताई आपको, लेकिन ये है कि आप खुद उसको देख रहे हैं। कुछ मेल ऐसे हैं कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिफरेंट रीजन में सीमा डिपोजिट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्पीशीज ऐसी को जाइना में डिपोजिट कर रहे हैं, कुछ सर्विक्स में, और कुछ की जो फ्रैक्शन है फीमेल फ्रैक्शन है वो जो है यूट्रस में डिपॉजिट हो रही होती है। तो आप क्योंकि जो स्पर्म डिपॉजिट नहीं हो और रहे हैं इस वो बिलियन बिलियंस है, नंबर उनका बिलियंस में है, तो इसका मतलब ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वहां पे सिर्फ एक ही स्पर्म जो है हमें रिक्वायर होगा, एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म रिक्वायर होगा। मीन जो बिलियन स्पर्म्स है वो क्या होते उस फीमेल रिप्रोडक्ट के एक्रोसोम रिएक्शन हो रहा है, और एट द एंड के जब स्पर्म एक कैपेसिटी स्पर्म का जो एक ओवम से इन कांटेक्ट होता है तो उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन होता है, स्पर्म जो है उसमें ओवम में पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जो कि ट्रैक में हो रहे हैं। यहाँ पे भी यही चीज है, वन जो इंडिकेट कर रहा है इमीडिएट ट्रांसपोर्ट किया, इसमें ये चीज लिखी हुई है कि रेट्रोग्रेड लॉस। रेट्रोग्रेड लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पर्म जो है वो वापस बैक फ्लो हो रहा है उनका, यानी ये हम कहते हैं बुल में जो है वजाइनल फॉर्नेक्स जो साइट ऑफ सीमन, यहाँ से हो रहे हैं आगे की तरफ भी जा रहे हैं, और जो है जो नॉन वायबल हैं मॉर्फोलॉजिकली अबनॉर्मल स्पर्म्स हैं उनका जो है वो रेट्रोग्रेड फ्लो हो रहा है। मीन कि जो स्विम नहीं कर सकते, जो मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो सारे के स्पर्म जो है वो उनका बैक फ्लो हो जाएगा। रिमेनिंग जो स्पर्म जो कि सेलेक्ट हो रहे हैं, अब सिलेक्शन के बाद वो मूव कर रहे हैं फर्दर यूट्रस में, तो यूट्रस में और ओविडक्ट में जो है यहाँ पे कैपेसिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो यस हेलो सर, आवाज आ रही है। यार, बस क्या करें, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कुछ करते हैं कि ये चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेक्चर आप आज का आपका डिफरेंट जो है वो सोर्स इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, एनी हाउ। ओके, तो रेट्रोग्रेड फ्लो का मैंने आपको बताया फैगोसाइटोसिस कि फैगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, उन्होंने जो है वो स्पर्म को जो है वो इनगल्फ कर देना, और उसके बाद जो वायबल स्पर्म्स हो जाएंगे वो होंगे, एंटर हो जाएंगे सर्विक्स में। तो फिर सर्विक्स है, इसको कहते हैं कि प्रिविलेज पाथवेज, कि एक ऐसा पाथवेज है जो कि सिलेक्शन कर रहा है कि उन्हीं, सिर्फ उन्हीं स्पर्म्स को, उन्हीं स्पर्म्स को अलाउ कर रहा है जो कि वायबल है। तो जो अब नॉर्मल हैं, डेड हैं, उनको जो है वो क्लियर कर रहा होता है। इसकी डिटेल जो है आगे चल के देखते हैं। फिर यही वही बात कि यहाँ पे कैपेसिटेशन हो रही है, फैगोसाइटोसिस हो रही है, जब यूट्रस में आता है, ओविडक्ट में आ रहा है, तो फिर स्पर्म जो है वो कैपेसिटेशन कंप्लीट हो जाती है, और स्पर्म में जो है एक पैटर्न, स्पेशल पैटर्न मोटिलिटी का शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी हाइपर एक्टिव मोटिलिटी, कि वो स्पर्म जो है वो एक हाइपर एक्टिव मोटिलिटी शो कर रहे होते हैं। और देन के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है इन दी ओविडक्ट। तो यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन होता है, तो स्पर्म्स ओवम जो है उनकी पेंट्रेशन हो जाती है, और इसके बाद जो है वहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई बनते हैं, जिनका आपस में फ्यूजन होती है, और वहाँ पे एक जाइगोट बनता है, और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल जो है वहाँ पे डिवेल्प होना शुरू हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर, तो जी सर आपने रेट्रोग्रेड लास्ट का क्या बताया? ये बता रहे हैं ना अभी आप, रेट्रोग्रेड। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो स्पर्म का लॉस आ रहा है बाय दी रेट्रोग्रेड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो। अब वो कहता है जी कि ये रेट्रोग्रेड फ्लो जो है ये डिपेंड करता है साइट ऑफ इजैकुलेशन या साइट ऑफ सीमो डिपोजिशन एंड द फिजिकल नेचर ऑफ द इजैकुलेट। और फिर दूसरा जो है स्पर्म का लॉस हो रहा है थ्रू दी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, जो कि न्यूट्रोफिल्स कर रहे होते हैं। तो साइट ऑफ इजैकुलेशन का क्या मतलब कि अगर स्पर्म की डिपोजिशन हो रही है वजाइना में, इट्स मीन कि उनका जो रेट्रोग्रेड फ्लो है, बैक फ्लो जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। और अगर इनकी सीमो डिपोजिशन सर्विक्स में हो रही है, अब जिस तरह लार्ज रूमिनेंट्स हैं, स्मॉल रेमिनेंट्स हैं, इनमें सीमन डिपोजिशन हो रही होती है इनटू दी वजाइना। और जिस तरह डॉग है, स्वाइन की एग्जांपल है, और ये जो है, ये स्पीशीज जो है ये सीमन डिपोजिट कर रही होती है इनटू दी सर्विक्स। और कुछ पार्ट जो है वो, तो मैक्सिमम जो पार्ट जो है वो यूट्रस की तरफ फ्लो कर रहा होता है। देन एग्जाम्पल है जी स्टैलियन की, जब इनमें कॉपुलेशन होती है तो एक जो मेल है होता है वो स्क्वर्ट्स करता है, कि वो जो जो सीमन है उसको डिपॉजिट करता है, स्क्वर्ट करता है, मीन कि इस तरह से आ रहा होता है कि वो एक प्रेशर से जो है वो यूट्रस की तरफ जा रहा होता है, और सीमन जो है उसमें यूट्रस में डिपॉजिट हो रहा होता है। तो वो स्पीशीज जिनमें सीमन डिपॉजिट वजाइना में हो रहा है, इट्स मीन कि उनका रेट्रोग्रेड फ्लो जो है वो ज्यादा होगा। ओके, जिस तरह हम बफलो के केस में, काओ के केस में, या शीप गोट के केस में देखते हैं, तो यहाँ पे सीमन डिपोजिशन जो है वो जाइनल फॉर्नेक्स में हो रही थी, वो बैक फ्लो यहाँ से ज्यादा हो रहा होता है, रेट्रोग्रेड फ्लो जो है वो ज्यादा हो रहा होता है। और कंपेयर टू केस स्वाइन के या इक्वाइन के, जहाँ पे सीमन डिपोजिशन हो रही है सर्विक्स में या वजाइना में। फिर दूसरी चीज़ है जो फिजिकल नेचर ऑफ दी इजैकुलेट्स, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि रेट्रोग्रेड फ्लो को जो है वो मिनिमाइज कर रही होती हैं। वो मिनिमाइज कैसे कर रही होती हैं कि उनकी इजैकुलेट्स में या एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन या एक जेल जो है वहां पे प्रेजेंट होती है, जो कि रेट्रोग्रेड फ्लो को जो है वो मिनिमाइज कर रही होती है,
ह्यूमन के केस में भी यही चीज होती है कि एक कुछ टाइम के बाद के वहाँ पे जो जेल फॉर्मेशन है वो हो जाती है, और उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि रेट्रोग्रेड फ्लो को जो है मिनिमाइज किया जाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो देखी जाती है वो है जी रोडेंट्स में, कि जब ये कॉपुलेट करते हैं तो उनकी वल्वा के ऊपर जो है एक जेल प्लग जो है, वजाइनल प्लग हम उसको कह रहे होते हैं कि वजाइनल प्लग लगा होता है, वो एक जेल फॉर्मेशन होती है। और नॉर्मली जब भी हम रैट्स को या माइस को हम अलाउ करते हैं कि वो मेट करें, अगर हमें ये चीज़ पता करनी हो कि इन आपस में मेट किया है या नहीं किया है, तो अर्ली मॉर्निंग हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी वल्वा में जो है एक जेल का प्लग जो है वो हमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं वजाइनल प्लग। और ये प्लग इसलिए प्रेजेंट होता है कि ताकि जो रेट्रोग्रेड फ्लो है उसको हम मिनिमाइज किया जाए। तो इस वे से स्पर्म का जो रेट्रोग्रेड फ्लो है वो कंट्रोल हो रहा होता है थ्रू द साइट ऑफ द सीमन इजैकुलेशन और बाय द फिजिकल नेचर ऑफ द इजैकुलेशन। दूसरा प्रोसेस जो है जो कि स्पर्म लॉस कर रहा होता है, दैट इज द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है जी? मेनली द न्यूट्रोफिल्स। अब होता क्या है, जो ही इंसेमिनेशन हुई तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो न्यूट्रोफिल्स की जी कंसंट्रेशन, या हम ये कह सकते हैं कि जो WBCs की जो कंसंट्रेशन है वजाइना में, सर्विक्स में और यूट्रस में जी, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक ये न्यूट्रोफिल्स है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एक स्पर्म्स हट पड़े हुए, इट्स मीन इस इन ये जो न्यूट्रोफिल्स है इसने जो है दो स्पर्म को इंगल्फ कर लिया। यहाँ पे है एक, इसने भी यहाँ पे एक स्पर्म को जो है वो इंगल्फ किया हुआ है। ये भी एक जो है वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, लेकिन इसने कोई ऐसा स्पर्म जो है वो इंगल्फ नहीं किया। तो ये फैगोसाइटोसिस हो रही है थ्रू न्यूट्रोफिल्स। फैगोसाइटोसिस उन्हीं स्पर्म्स की हो रही होती है जो कि नॉन वायबल हैं या इमोबाइल होते हैं, जो मोटिलिटी शो नहीं कर रहे होते। तो जो इमोटाइल होते हैं या अबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है कि ताकि ये जो स्पर्म्स हैं अबनॉर्मल स्पर्म्स हैं, ताकि ये फर्टिलाइज ना कर सकें, ताकि जो इंडिविजुअल प्रेजेंट हो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल प्रेजेंट हो। तो अब जो अबनॉर्मल स्पर्म्स हैं या डेड स्पर्म्स हैं, ये थ्रू के वहाँ पे फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है और वहाँ से न्यूट्रोफिल जो है वो इनको क्लियर कर रहे होते हैं। अब ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब एनिमल हीट में आता है तो उसमें कितने तो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एनिमल हीट में आता है, इट्स मीन के वहां पे जो स्पेशली रिप्रोडक्टिव ट्रैक की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है कि उस टाइम हम देख रहे होते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक रिजिडिटी है और ऐसे शो हो रहा होता है कि जैसे यहाँ पे कोई इंफ्लामेशन हुई है। तो अब ये चीज़ क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है ताकि जो अबनॉर्मल स्पर्म्स हैं, जो डेड स्पर्म्स हैं, उस ट्रैक से जो है रिमूव हो जाए, और ये प्रोसेस जो है यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो ही इंसेमिनेशन हुई या वहाँ पे कॉपुलेशन हुई, इट्स मीन उसके बाद जो है वो न्यूट्रोफिल का जो लेवल है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो 6 आवर में वो इंक्रीज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो जो टाइम लैप्स कर रहा होता है इंसेमिनेशन के बाद, उनका जो लेवल है वो भी डिक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि अब वहाँ पे अब नॉर्मल स्पर्म जो है उनका लेवल नहीं है, अब प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इनका जो न्यूट्रोफिल्स है इनका लेवल
इंक्रीज लेवल जो है वजाइना में सर्विक्स में या यूट्रस में उनका वो वाला लेवल ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे जो टाइम ऑफ इंसेमिनेशन जस्ट फ्यू आवर्स ऑफ इंसेमिनेशन देख रहे होते हैं। तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, क्योंकि ये चीज देखी जाती है कि यूं ही इजैकुलेशन हुई तो इजैकुलेशन के बाद जो है फौरन बाद विद इन 2 to 3 मिनट्स बाद जो है कुछ स्पर्म देखे जाते हैं जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहुंच चुके होते हैं। अब वो कैसे जाते हैं, अब होता क्या है, क्योंकि वो तो वहाँ पे चले जाए लेकिन वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगी क्योंकि अभी स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं होता, वहाँ तक आता नहीं। अब वो स्पर्म जो जहाँ वो जो पहले पहुँच चुके हैं वो डेड हो जाएंगे। होता क्या है कि क्योंकि जिस टाइम इंसेमिनेशन हुई उस टाइम जो है वो फीमेल एक पार्टिकुलर पॉस्चर शो कर रही होती है जिसको हम कहते हैं जिनोडोसिस। तो जब मेटिंग हो चुकी होती है तो उसके बाद जो है वहाँ पे वो डिफरेंट किस्म की कंट्रैक्शन आ रही होती हैं। अब वो उसकी बॉडी भी कंट्रैक्ट कर रही होती है और उसका पार्ट जो बाकी मस्कुलेचर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो भी कंट्रैक्ट कर रहा होता है, उसमें भी कंट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो रही होती हैं। ये इंक्रीज ये कंट्रैक्शन स्पेशली यूट्राइन मस्कुलेचर में ये कंट्रैक्शन देखी जाती है। ये कंट्रैक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि उस टाइम जो एस्ट्राडियोल है उसका लेवल भी हाई है, क्योंकि एस्ट्राडियोल की भी एक नेचर है कि वो जो कंट्रैक्शन है स्पेशली यूट्राइन कंट्रैक्शन उसको प्रमोट करता है एंड आल्सो द प्रोस्टाग्लैंड। एस्ट्राडियोल लेवल तो फीमेल में है वो उसके ब्लड में है, लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडेंस है ये सीमन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और ये सीमन में आ रहा होता है और ये भी यूट्राइन कंट्रैक्शन को जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। इस बेस पे जो है वो स्पर्म जो है वो एकदम या एक रैपिड ट्रांसपोर्ट होती है कि स्पर्म जो है वो वजाइना से जो वो ट्रांसपोर्ट हुए वो सर्विक्स से गुजरते हुए वो यूट्रस में गए, यूट्रस से जाते हुए वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी ओविडक्ट में भी पहुँच गए। इसमें मेनली जो बॉडी कंट्रैक्शंस यूट्राइन मस जो कंट्रैक्शंस हैं वो इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रही होती है। दूसरी है दी सस्टेन ट्रांसपोर्ट के स्लोली के आहिस्ता आहिस्ता। अब उसमें क्या होता है कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रही होती है क्योंकि स्पर्म यहाँ पे जिस तरह एक तो चीज़ है एस्ट्राडियोल है दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन है ये चीज़ उसको प्रमोट कर रही होती है। लेकिन अब जो स्पर्म यहाँ से फिल्टर हो रहे हैं सेलेक्ट हो रहे हैं वो सर्विक्स से जा रहे हैं आगे यूट्रस की तरफ और यूट्रस से जाते हुए वो चले जाते हैं यूट्रो ट्यूबल जंक्शन पे और यूट्रो ट्यूबल जंक्शन से होते हुए फिर ये इंटर हो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियम है जिस तरह मैंने आपको उसकी स्ट्रेटजी भी बताई तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं कि उसमें कुछ विल्लाई हैं। अब उन विलाई के साथ ये स्पर्म जाके वहाँ पे स्टे करते हैं मीन के वहाँ पे वो ये स्पर्म जो है जो सस्टेन वे से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं स्लोली बाद में जो इनिशियल ट्रांसपोर्ट हुए वो स्पर्म वहाँ पे जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो स्पर्म जो है वो डेड हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर चुके होते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो स्पर्म स्लोली या बाद में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं ये उस एपिथेलियम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं जो कि फिलोपियन ट्यूब की एपिथेलियम है जिन जो विल्लाई उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे वो रेस्ट करते हैं यानी वहाँ पे अब वो कहते हैं जी यहाँ पे अपनी रीफ्यूलिंग कर रहे हैं डॉकिंग। डॉक एक टर्म जो है वो यूज़ की जाती है शिप के लिए कि जब शिप किसी बंदरगाह पे जाते हैं जब उनका फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है तो वहाँ पे रीफ्यूलिंग करते हैं। तो इसका उसको ये कह रहे हैं कि ये डॉकिंग का प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे। तो डॉक जो है एक टर्म जो है वो यूज कर की जाती है स्पर्म्स के लिए जब वो जाके अटैच हो जाते हैं स्पर्म एपिथेलियम के साथ और वहाँ पे वो वेट करते हैं स्पर्म का। तो वहाँ पे क्योंकि ये वाले जो स्पर्म्स हैं जो कि रैपिड ट्रांसपोर्ट से गए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी यूटिलाइज कर चुके होते हैं और जो ही वो फिलोपियन ट्यूब में जाते हैं तो वहाँ पे वो सर ये डॉक क्या होता है एक बार दोबारा बता दें जी।
जी, क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं सर, आई। DOC के डॉक, ये क्या होता है? डॉक का मतलब ये होता है कि रीफ्यूलिंग, कि रेस्ट करना। अब होता क्या है कि जो स्लो वे से गए स्पर्म, सस्टेन्ड वे से गए, ग्रेजुअली गए, वो स्पर्म पहले क्योंकि वो सर्विक्स से सेलेक्ट हुए। क्लास जी सर, टाइम मैं क्लास खत्म हो गया रहता हूँ, मैं टाइम कर दूँ, मैं फिर वो मेरी क्या ये करती क्लास है, ये बस 10 मिनट और चलेगी, क्या तुम डिजाइन बना दी तुम तो अपनी मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ आपके पिक्चर। साथ, मैं क्लास लेके ना आपकी तरफ आ सर रहा हूँ, मैं दूसरा डबेट कर अपने ऊपर है, दफ्तर से बैठे आ जाओ मुझे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो अब वो स्पॉन ओविडक्ट में चले गए, वहां पे उन्होंने वो एनर्जी अपनी रीस्टोर करनी होती है, या उसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन उनकी कम हो रही होती है, और वहां पे वो एक वेट कर रहे थे कि स्पर्म या ओवम नीचे आएगा तो उसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डॉकिंग। तो सर्विक्स जो है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये एक प्रिविलेज साइट है, कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे इस रास्ते से वही गुजरेंगे जो कि सही है, गलत बंदा यहाँ से गुजरेगा नहीं, उसकी एग्जाम्पल ये है। अब वो प्रिविलेज साइट कैसे बन रही है, उसमें क्या हो रहा है कि